तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में सेट नंबर 2 क्वेश्चन पेपर कोड 59/5/2 के सॉल्यूशन को। ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर कोड अलग अलग हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर कोड है 59/5/2, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते चलो। खंड का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 और 2 अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, ए बी सी डी में आंसर देना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखो, ठीक है। ए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र से आशा की जाती है कि वह एक ध्रुवीय विश्व में बेहतर काम कर पाएगा। सही बात है, की जाती है आशा ऐसी। और सोवियत संघ के विघटन के बाद कई नए देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन सदस्य बने इसका इससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो कारण है वो ए यानी अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे फर्स्ट में? बी, फर्स्ट में बी है। सेकंड क्वेश्चन में सेम, पहली लाइन ये भी सही है, दूसरी लाइन भी सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड में आपका ए है, ए, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। अगला, इंग्लिश में फर्स्ट में भी, सेकंड में ए, थर्ड क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर के से संबंध अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया था? तो सी ऑप्शन राइट है, 9 अगस्त 2019, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 4, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? बी ऑप्शन राइट है, 2 वर्ष। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? सी ऑप्शन राइट है, विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करना। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये सारे लाइन सही हैं, ठीक है, ए ऑप्शन है। इंग्लिश में क्वेश्चन 3 सी, क्वेश्चन 4 बी, क्वेश्चन 5 सी, ठीक है, 5 में सी है। क्वेश्चन 6 ए। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नीचे हैं, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। 7 में ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8, भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा
विकासशील देशों में निवेश करने के मुख्य कारण की पहचान कीजिए, उनका मुख्य कारण क्या था? बी ऑप्शन राइट है इसका। ठीक है, अपनी संपत्ति बढ़ाना व अधिक मुनाफा कमाना। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा दशक भारत में द्वितीय लोकतांत्रिक लहर का समय था? तो सी ऑप्शन राइट है, 1980 का दशक। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से द्रविड़ आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो 11 में बी ऑप्शन राइट है, ए वी रामास्वामी नायकर। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम, 7 में भी एट में डी नाइन में भी टेन में सी इलेवन में बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित रिक्त स्थान को नीचे दिए गए किसी एक उपयुक्त पद में भरिए। तो डैश का अर्थ ऐसी प्रगति से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ समझौता किए बिना पूरा करती है। सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी 12 में सी राइट है। ठीक है, आगे कार्टून वाला क्वेश्चन देख लो, ये सब आपको बाद में बताया जाएगा। ये भी देख लो, 24, वह देश जिसके साथ भारत का 1962 में युद्ध हुआ था, कौन सा देश था? चीन था। ठीक है, वह देश जिसके साथ भारत का कश्मीर के मुद्दे पर विवाद हुआ, पाकिस्तान था। चीन, पाकिस्तान, वह देश जो 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आया, बांग्लादेश था। वह भारतीय राज्य जो चीन के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ फिल कर देना था। कार्टून वाला क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट, कार्टून में दिखाया गया सैनिक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? बी ऑप्शन राइट है, संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकंड, किस वर्ष इराक पर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से आक्रमण किया गया? सी ऑप्शन राइट है, 2003। कौन सा? 2003। थर्ड में, कार्टून में दिखाए गए देशों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक देश खाड़ी का देश है? ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, इराक। इंग्लिश में भी सेम, बी सी ए। ठीक है, बी सी ए। अगला, प्रथम खाड़ी युद्ध को निम्नलिखित में से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? कंप्यूटर वॉर। ठीक है ना, सी। सी, ठीक है। पैराग्राफ देख लो एक बार, ये भी 26, फर्स्ट में ए राइट है, वैश्वीकरण। सेकंड में डी राइट है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। थर्ड में बी राइट है, सॉरी सी राइट है। ठीक है, थर्ड में सी राइट है। फोर्थ में सी राइट है। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम ऑप्शन। ठीक है, ये सेम ऑप्शन। तो टोटल इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी का सॉल्यूशन बाद में मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।